अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। क्या इससे पहले जितने टॉपिक चल रहे थे वो हम इंटरपोलेशन देख रहे थे इक्वल इंटरवल्स के साथ, तो आज हम देखेंगे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। तो उसमें सबसे मशहूर है लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। देखते हैं फार्मूला क्या होता है, ड्राइव कैसे किया जाता है और इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कैसे आएगी। तो शुरू करते हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने इससे पहले जितने भी फार्मूले ड्राइव किए उनका एक डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ उन पे अप्लाई होते थे जो इक्वली स्पेस्ड हैं। अब जो आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं ये इक्वली स्पेस पे भी लग सकेगा और अनइक्वली स्पेस पे भी होगा। तो हम जैसे चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसे इंटरपोलेशन फार्मूला बनाया जाए जो अनइक्वली स्पेस्ड वैल्यूज जो एक्स की हैं उसको भी कवर कर सके। तो इस सिलसिले में हमारे पास है लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। लेट्स से y आपके पास इक्वल है f ऑफ x, तो आपके पास यानी आपके पास y कॉरेस्पॉन्ड करेगा x की वैल्यू के लिहाज से। तो y नॉट y1 y2 yn ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसको, x नॉट x1 x2 xn पे, जो इक्वली स्पेस भी हो सकते हैं इक्वली स्पेस नहीं भी हो सकते, माइंड इट। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि जो f ऑफ x है, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला जी, अब बेहतर है। तो ये किसके बराबर है, तो आप पहले लिखेंगे इसका, ये एक याद करने का तरीका ये है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स एन। तो 1 से n तक ये इसमें x नॉट नहीं है, तो y जो आएगा वो y नॉट वाला आ जाएगा। यहाँ से जो आपके पास x नॉट शुरू में चलता जाएगा और ये माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन, यानी जो y नॉट वाला होगा वही x नॉट सब के नीचे सब में आएगा। अब जैसे इधर y1 है तो नीचे स्पॉट देखो तो सब में x1 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 और वो सबसे बारी बारी x नॉट x0 x, अब इसमें नीचे आप देखो x1 वाली टर्म नहीं आई, ठीक है। तो अब सो ऑन सो आपके पास इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अच्छा जी, तो अब आप ऊपर भी देख सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट, तो इसमें ऊपर x नॉट स्टार्टिंग पे नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे x1 वाला देखो x माइनस एक्स नॉट है तो x माइनस एक्स टू हो गया, यहाँ पे आगे चल के हम वो प्रूफ देखेंगे। सो ऑन सो आप देखेंगे x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन x इंटू एक्स एन माइनस वन, यानी लास्ट n टर्म नहीं अवेलेबल यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो nth वाले के हम चल रहे हैं एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में वाई एन। अब ये जो फार्मूला टूल लिखा हुआ है आपके सामने ये लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला कहलाता है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अगर हम कहें एफ वाई ऑफ एक्स है जिसमें फंक्शन आपके हैं कि जो डाटा पॉइंट्स हैं एक्स नॉट एक्स वन आपके जैसे मैंने लिखा मे और मे नॉट इक्वी डिस्टेंस हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट करना है एन डिग्री पॉलिनोमियल एफ एक्स के लिए। तो लेट्स से एफ एक्स बराबर है हमारे पास ए नॉट एक्स इंटू एक्स माइनस वन x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स एन। अब इसमें देखो x माइनस एक्स वन है, x माइनस एक्स नॉट नहीं है। इधर देखो x माइनस एक्स नॉट और फिर x माइनस एक्स टू, यहाँ पे बीच में आना चाहिए था x माइनस एक्स वन, वो नहीं है। तो इसी तरीके से प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन फिर एक्स माइनस एक्स टू मिसिंग है क्योंकि ए टू को देख रहे हैं, तो एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा अप टू आखिर में एक्स माइनस एक्स एन तक चलता जा रहा है। इसी तरह आईएथ टर्म अगर आप देखो ए आई के लिए तो एक्स माइनस एक्स नॉट से चलते चलते एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन और फिर एक्स प्लस आई प्लस वन, यानी बीच में जो एक्स माइनस एक्स आई वाली टर्म है वो मिसिंग है। फिर आपके पास ए एन देखो तो आपकी लास्ट टर्म बनी थी एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे नॉट है यहाँ पे एन आएगा आपके पास जी। तो अब आपके पास इसी तरह लास्ट टर्म देखो जरा एक्स माइनस एक्स एन चल रही है एक्स माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन, तो ये ए एन आ गई तो लास्ट टर्म मिसिंग होनी थी, तो एक्स माइनस एक्स एन यहाँ पे नहीं है। तो इसे मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। इसमें अब ए वन ए टू ए सारे जो हैं ए वो अननोन कांस्टेंट हैं, तो पहले कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले एक मिसाल लेते हैं, एक्स की जगह एक्स नॉट लगाते हैं वन में। तो जब आप वन में लगाएंगे तो एफ एक्स नॉट क्या आ जाएगा, तो आपके पास एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे देखो x जब लगाओगे x माइनस एक्स नॉट तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, सबको जीरो कर देगा, ये भी सबको जीरो कर देगा, ये भी सबको जीरो कर देगा, सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी आपके पास a नॉट वाली जो कि होगी x नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन। तो यहाँ से a नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है
बात समझ आ गई। अब बच्चे जब आप इसी तरीके से x माइनस एक्स वन रखोगे, तो जब आप x माइनस एक्स वन रखोगे तो देखो a नॉट वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि x की जगह x वन आ गया तो ये जीरो, x की जगह x वन आ गया वो ये टर्म जीरो, तो ये a वन वाली टर्म ही सिर्फ बचेगी आपके पास, तो वो इससे a वन की वैल्यू निकल आएगी, इसी तरीके से a टू की वैल्यू, इसी तरीके से a n की वैल्यू निकाल लेंगे आप। बात समझ गए। अब आप ये सारी वैल्यूज उठा के वापस इक्वेशन वन में डाल सकते हैं, तो जब हम इक्वेशन वन में डालेंगे तो ये इक्वेशन इस तौर पे आ जाएगी कि एफ एक्स बराबर आ जाएगा, आपने जो एफ एक्स साइड पे कर लिया, और आप देख सकते हैं इसके साथ जो कोफिशियंट था उसकी वैल्यू जब लगेगी ऊपर वाला फैक्टर ये आ जाएगा, बटे में ये आ जाएगा, साथ में एफ एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि ऐसे बन गई, इसी तरीके से ये एफ एक्स वन वाली, इसी तरीके से एफ एक्स टू वाली, इसी तरीके से एफ एक्स एन वाली। अब हम जानते हैं के y बराबर था एफ एक्स के, तो आप यहाँ पे y नॉट भी मेंशन कर सकते हैं, y1, y2, yn, तो ये दोनों तरीकों से मुख्तलिफ किताबों में लिखा होता है, दोनों ही लंग्रांज आपके पास ये टूल है इंटरप्रेशन का। तो जनाब अब आपके पास इक्वेशन टू को जो आपके पास आई है जिसमें एफ एक्स आने, हम इसे जनरलाइज एक पैटर्न पे लेके जाना चाहते हैं, इस सारे के साथ जो लिखा हुआ है इसे हम एक नाम दे देते हैं एल नॉट एक्स, फिर एफ नॉट एक्स आ जाएगा, एल एक्स वन एफ एक्स वन, एल टू एक्स एफ टू एक्स टू, ये सो ऑन सो चलता जाएगा। अब आप इसे अगर समेशन पैटर्न पे लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे समेशन आई इज इक्वल टू जीरो एल आई एक्स एफ एक्स आई, तो यहाँ से आपके पास जो एल एक्स आई की वैल्यू, आप जो पैटर्न आपने समझा है वो क्या है, वो यहाँ से समझ आएगा एक्स माइनस एक्स आई ओवर एक्स आई माइनस एक्स जे। अब जे जीरो हो सकता है मगर आई जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका मतलब समझ गए। तो ये एक बहुत अहम टूल है आप आपके पास, आप यही वैल्यू आप नीचे लगा दो इसके अंदर, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन, चूंकि एफ का भी चल रहा है तो उसके साथ मैंने अलग समेशन और एल वाले की अलग लिखा है मैंने। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है तब कह रहे हैं, जिसमें जो लग्रांज के या नाम के साथ एसोसिएट है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, आसान है, और आपके पास इसमें यानी एवेल्युएशन करना इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हम एक सवाल देखें कैसे आएगा, x की वैल्यू मुझे दे दी 5, 7, 11, 13, 17 एफ एक्स, यानी जिसे आप y नॉट कहोगे उसकी वैल्यू, y कहोगे उसकी वैल्यू 153, 92, 14, 52, 23, 66, 502। अब आप उसने कहा एफ नाइन को एवेल्युएट करो, किसकी मदद से, लग्रांज फार्मूले की मदद से, तो आपने एफ एक्स वाले की जगह देखो, जब आप एक्स नॉट पहली वैल्यू लोगे तो पहली वैल्यू वाई नॉट हो जाएगी, एक्स वन लोगे तो वाई वन हो जाएगा, एक्स टू लोगे तो वाई टू हो जाएगा, एक्स थ्री लोगे तो वाई थ्री हो जाएगा, एक्स फोर लोगे तो वाई फोर हो जाएगा, वो वैल्यूज के नाम आ गए आपके सामने इस तरीके से। अब आप एक्स नाइन पे जाना चाहते हो तो एफ नाइन कैसे होगा भला, तो हमने कहेंगे एक्स की जगह नाइन रख दो, तो नाइन माइनस सेवन, नाइन माइनस इलेवन, नाइन माइनस थर्टीन, नाइन माइनस सेवनटीन, इसी तरीके से अब आपके पास 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, 5 माइनस 17, तो आपने देखा किस तरीके से आप वो वैल्यूज लेके चल रहे हो। इसी तरीके से अब आप पहली वैल्यू जो y नॉट की 150 से जरूरत दे दोगे, फिर अगली वैल्यू y1 की है उसके लिए आप सॉल्व करोगे 9 माइनस 5, 9 माइनस 11, आप देखो आपने इसमें से पहले 5 वाली टर्म गायब की है, ठीक है, जब आपने वो x नॉट रखा, तो फिर आपने x1 मिस करना है, फिर आपने x2 मिस करना है, तो वो टर्म आपकी गायब होती जाएगी। तो अब इसमें देखो 9 माइनस 7 नहीं आया, ठीक है, पहले वाले में 9 माइनस 5 नहीं आया, इसी तरीके से आप सो ऑन सो वैल्यूज रखते जाओगे, फिर आप 7 माइनस 5 है, यानी आपके पास 7 माइनस 11 है, 7 माइनस 13 है, 7 माइनस 17 है, और इसी तरीके से आप 11 वाले को जब डील करोगे तो 9 माइनस 11 नहीं आएगा, ठीक है, और आपके पास 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17, और नीचे आपके पास 11 के साथ सारों को चलेगा टूल। तो अब आप इसमें देखो 11 माइनस 11 वाली टर्म नहीं है यहाँ पे नीचे भी, तो इसी तरीके से आपके पास 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 17, 9 माइनस 13 नहीं आया, तो 9 माइनस 17 है, इसी तरीके से 13 माइनस 13 भी नीचे नहीं है। तो आप सो ऑन सो ये सारे को सॉल्व करेंगे, जब जाहिर है सारा न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो 5/3 माइनस के साथ ये आ जाएगा, प्लस 3136/15, प्लस 3872/3, प्लस 2366/3, प्लस 785/5, इन सबको सॉल्व करते तो 810 आ जाता, तो एफ नाइन की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाती। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।